आपको मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए ये मैंने लगभग 1 किलो आम लिए हैं। इनको अच्छी तरह धोकर और एक पॉलीपैक में रखकर मैंने फ्रिज में रख दिया है। आम ठंडे हो गए हैं, इसे इनकी प्यूरी बनाने में आसानी होती है। ये 250 ग्राम फ्रेश क्रीम है, ये रेडीमेड है और आप बाजार में आसानी से इसको ले सकते हैं। आधा कप पिसी हुई चीनी और ये आधा कप दही है, ये मैंने इस तरह छलनी में रखी है, इससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और ये थिक दही तैयार हो जाएगी। हमें आइसक्रीम में डालने के लिए बिल्कुल थिक दही का ही इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले ये आम छीलकर हम तैयार करेंगे और क्रीम और शुगर को हम बीट करके रखेंगे। सभी आम को हम अच्छी तरह छील लेंगे। और आम के पीसेस अलग करेंगे, गुठली हम हटा देंगे। ये पीसेस तैयार हो गए हैं, इन्हें हम एक ब्लेंडर में डाल देंगे और पीस कर तैयार करेंगे। ये मैंगो प्यूरी तैयार हो गई है। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम फ्रेश क्रीम निकाल लेंगे सभी। इसको एक बीटर की हेल्प से पहले थोड़ा सा चलाएंगे और फिर इसमें हम ये पिसी हुई शुगर जो हमने ली है ये डाल देंगे और उसके बाद इसको हम वापसी से अच्छी तरह बीट करेंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें आइसक्रीम का टेक्सचर बढ़िया देने के लिए इसको अच्छी तरह बीट करना है और ये दही बहुत बढ़िया गाढ़ी दही है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। मैंगो आइसक्रीम में दही डालने से उसका एक अलग स्वाद आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप खुद ही जान जाएंगे कि कितना बढ़िया टेस्ट मैंगो आइसक्रीम में दही का आता है। अभी हम इसमें ये मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको सभी को हम बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे, एक क्रीमी टेक्सचर इसका तैयार हो जाएगा। मैंगो प्यूरी डालने से इसका कलर बहुत बढ़िया आया है, एकदम नेचुरल येलो कलर। इसमें हम अलग से कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं करेंगे। इसको हमें खूब अच्छी तरह से फेंटना है, उससे हमारी आइसक्रीम बहुत बढ़िया जमेगी। ये आइसक्रीम जमने के लिए अब तैयार हो चुकी है। इसको हम एक एयर टाइट कंटेनर में पोर करेंगे। आइसक्रीम बढ़िया फेंट दी गई है, इसे इसमें पानी के क्रिस्टल वगैरह कुछ नहीं आएंगे और हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी और क्रीमी टेक्सचर में एकदम से जमकर तैयार होगी। इसको हम अच्छी तरह कवर करके और फ्रीजर में जमने के लिए रख देंगे, लगभग 8 से 9 घंटे या ओवरनाइट हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। ये 8 घंटे बाद मैंने आइसक्रीम को निकाला है और ये बहुत बढ़िया तरह से जम चुकी है। मैंगो आइसक्रीम तैयार है। अब हम एक आइसक्रीम कप में इसके स्कूप बनाएंगे और सर्व करने के लिए इसको रेडी करेंगे। कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको गार्निशिंग करने के लिए मैंने सिर्फ पिस्ते का इस्तेमाल किया है। पिस्ते को मैं ग्रेट करके इसके ऊपर
डाल दूंगी। और ये हमारी मैंगो आइसक्रीम तैयार है, खाइए और मजे लीजिए।